मुंबई से सटे मीरा रोड में कक्षा 3 की छात्रा को होमवर्क ना करके आने पर 450 बार दंड बैठक करवाया। मुंबई से सटे मीरा रोड में कक्षा 3 की छात्र को उसके ट्यूशन टीचर ने होमवर्क न करने की सजा के तौर पर 450 बार दंड बैठक कराया, जिसके कारण छात्र की तबीयत खराब होने पर उसे डॉक्टर के पास इलाज के लिए ले जाया गया। मां की शिकायत पर नया नगर पुलिस ने टीचर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। मीरा रोड के शांति नगर में रहने वाली एक छात्रा अपने पास के ही टीचर के पास ट्यूशन पढ़ने के लिए जाती थी। वह तीसरी कक्षा में पढ़ती थी। 2 दिन पहले वह ट्यूशन पढ़ने गई तो उसने होमवर्क नहीं किया था, जिसके कारण टीचर को खूब गुस्सा आया। उसने सजा के तौर पर उसे 450 दंड बैठक कराया, जिसके कारण उसकी तबीयत खराब हो गई। किसी तरह वह अपने घर पहुंची। उसकी हालत देख माँ ने जब उसे पूछा, उसने सारी बात बताई। माँ पहले उसको डॉक्टर के पास ले गई, उसके बाद उसको लेकर नया नगर पुलिस स्टेशन गई, जहाँ पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए टीचर की जाँच कर रही है। मैडम साहब, आपके यहाँ एक बच्ची को मारहाण का कुछ टीचर द्वारा मामला दाखिल हुआ है, क्या है पूरा मामला, थोड़ा जानते हैं। दिनांक 18 को एक FIR रजिस्टर हुआ है पुलिस स्टेशन में, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट अंडर सेक्शन 75 के अंतर्गत। उसके अंदर एक 9 साल की बच्ची है, वो लता मैडम करके, लता सुवर्णा, इनके वहाँ सेक्टर 10 के अंदर में ट्यूशन के लिए जाती थी। तो उसने होमवर्क नहीं करने की वजह से मैडम ने उनको 450 से 500 उठक बैठक देने की पनिशमेंट दी थी। उस वजह से वो बच्ची को पैर में स्वेलिंग वगैरह आई थी, तो उन्होंने डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट करने के बाद पुलिस स्टेशन में आके वो टीचर के खिलाफ FIR दर्ज कराई हुई है और उसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। कुछ अर्धनग्न भी किया था कुछ ऐसा मामला? हाँ, इससे पहले ही वो टीचर ने उनको उनकी लेगेज उतार के उनको लकड़ी से मारा था, ऐसा भी उन्होंने वो FIR में बताया गया है। और बच्ची के स्टेटमेंट भी उन्होंने बताया है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा इंसिडेंस हुआ है। सभी फिलहाल मामला क्या दर्ज किया और क्या तफ्तीश? जुवेनाइल जस्टिस एक्ट अंडर सेक्शन 75 के अंतर्गत FIR दर्ज हुई है और उसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। अभी बच्ची का स्टेटमेंट हुआ है, उसका डॉक्टर जिसके पास उन्होंने ट्रीटमेंट किए थे उनसे भी बातचीत हुई है और अभी इन्वेस्टिगेशन गिरफ्तार वगैरह किया गया है? गिरफ्तार नहीं किया गया है, अभी उनको नोटिस दिया गया है 41 का CRPC का और इन्वेस्टिगेशन शुरू है।